अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने उतरने का फैसला पहले ही कर लिया था लेकिन अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंह इसे धार देने में जुट है आर सी पी सिंह ने दिल्ली में यूपी इकाई के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है इस बैठक में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर चर्चा की गई है उत्तर प्रदेश राज्य इकाई के पार्टी पदाधिकारियों के साथ शनिवार को दिल्ली में संपन्न बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर सिंह ने कहा कि पार्टी ने दूसरे राज्यों में पार्टी के लिए अपार संभावनाएं हैं और जरूरत इस बात की है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और उसके अनुरूप कदम उठाते हुए चुनावों में सफलता हासिल करें उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन के विस्तार को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल प्रधान महासचिव सुशील कश्यप प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद त्यागी शैलेंद्र प्रसाद हरिशंकर पटेल भरत पटेल युवा प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पटेल रमेश उपाध्याय मनीष नंदन आदि भी मौजूद थे बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश जदयू अध्यक्ष को बूथ कमेटी न्याय पंचायत कमेटी विधानसभा कमेटी विधानसभा प्रभारी जिला कमेटी लोकसभा प्रभारी कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया है इसी क्रम में 12 फरवरी को फिर से एक बैठक राष्ट्रीय कार्यालय में होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष को यह जिम्मेदारी भी सौंपी है की वह राज्य के सभी जिला अध्यक्षों व पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी की नीतियों और राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में राज्य के लोगों को विस्तार से बताएं लोगों को यह भी बताया जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि जदयू यूपी में ग्राम पंचायत के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले बैठक के बाद आरसीपी सिंह ने ऐलान कर दिया है कि इस बार यूपी चुनाव में पार्टी पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी इसका लक्ष्य रखा गया है आरसीपी सिंह ने उत्तर प्रदेश से जेडीयू अध्यक्ष को बूथ कमेटी विधानसभा कमेटी विधानसभा प्रभारी कमेटी जिला के बीच लोकसभा प्रभारी कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया है जेडीयू पहले भी कह चुका है कि बिहार में उसका बीजेपी के साथ गठजोड़ है लेकिन बाकी राज्यों में अपने संगठन विस्तार के लिए अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगा 2017 के विधानसभा चुनाव में भी यूपी के अंदर जेडीयू ने ताकत झोंकी थी लेकिन उसे कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें